आमिर और कामिल में क्या फर्क है? कामिल मलकूती होता है, आमिल नासूती होता है। अमलियात भी शरीयत का एक हिस्सा है, आजकल नहीं मानते, मगर आप अलैहिस्सलाम से जो चीजें साबित है वो दम करना, नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ुन। तो जब कुरान पूरा जिक्र हुआ तो फिर दम करना जिक्र से किस दलील से बाहर है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि यह है وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ। और अगर कोई यहां कहे कि यहां मोमिन की खेद है, लेकिन एक आयत में हुदों व शिफा भी है, तो ये मुसलमान अगर आज नहीं करेंगे तो इसका ये फसाद होगा कि बातिल आप पर बैठ जाएगा। रूहानी तौर पर इस चीजों के अंदर बातिल ने बहुत तरक्की की है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिकमत मुसलमानों की गुमशुदा मीरास है, यानी ये है हमारी मीरास, ले किसने ली? बातिल ने। हिकमत मुसलमानों की गुमशुदा मीरास है, जिससे चाहो ले लो। तो तुम लोग अगर मेरे तकवा के पीछे मत पड़ो ना, जो चीज मेरे पास है तो ले जाओ ना, बस खत्म करो। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन जाओ, हमने मना किया गया। तो उलमा इस बात को समझेंगे जिन्होंने 10 साल तदरीस की हो, 20 साल, 50 साल, या वो हजरात जिनका दुनिया के माहौल में ताल्लुक ज्यादा रहा, उनको इसका इदराक है, मगर उस शख्स को नहीं होगा जो नया हो। तालिबे इल्म मुझे क्या समझाया, तो खुद तालिबे इल्म है, ये आगे मुश्तैद बन गया तो फिर तो हो गया काम, तर्ज तो सारा काम हो गया। लतीफे का पूछा भी किसी को, लताइफ का पता नहीं है, और बातें करते हैं कि उस्ताद जी तसव्वुफ नहीं सिखाते। तुमने अभी पहला फैज़ुन्नूर खत्म किया जो तेरा कोई तसव्वुफ सिखाऊंगा मैं? पहला निसाब तो खत्म करो। अब ये तसव्वुफ क्या है और हिकमत क्या है? दुनिया याद रखना तकरीरों से आबाद, ठीक है तकरीरें अच्छी चीज है, मगर मर्ज जो है ना वो तकरीरों से नहीं भागता। अपने आप को असली साबित कराने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो निस्बत और कमाल निस्बत में क्या फर्क है? तो निस्बत और कमाल निस्बत में, निस्बत में फैज मिलता है और कमाल निस्बत में इल्म मिलता है। कमाल निस्बत इल्म है, क्या है? उससे उसको दलाइल अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं, उसूल नसीब फरमा देते हैं, ये कमाल निस्बत में इल्म पोशीदा है। और निस्बत में कैफियत है, सीढ़ी यहीं से जाएगी। एक इल्मुल यकीन है, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। मसलक का इख्तिलाफ फिका के अंदर है, मशरब का इख्तिलाफ तसव्वुफ के अंदर है। मसलक का इख्तिलाफ फिका के अंदर है, मशरब का इख्तिलाफ तसव्वुफ के अंदर है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी जिसको नूरी या वहबी इल्म मिले। अंबिया का इल्म क्या है? नूरी है। तो इसका भी जब वो लिंक हो जाए तो ये मशरब पे पहुंच जाते हैं। मुजद्दद रिफ़ानी फरमाते हैं कि जो शख्स आलिम वारिस होगा उसको दोनों उलूम अता किए जाएंगे, एक इल्म है जाहिर, दूसरा इल्म है बातिन। अगर उसने एक इल्म हासिल किया तो ये आलिम वारिस नहीं, क्योंकि नबी की विरासत पूरी मुंतकिल होती, अधूरी नहीं। फिर आगे फरमाया कि इल्म दलाइल का नाम है, मुकाशफात है, मगर सिर्फ मुकाशफात में अटके इसको कमाल निस्बत मत समझो, असल है इल्म हासिल होना। तो इसलिए सैयद अली हिजवी रहमतुल्लाह ने फरमाया जो तसव्वुफ से इल्म हासिल न कर सके, यानी का सूफी का आलिम होना साबित है मगर आलिम का सूफी होना नहीं। यहां से इस्तिलाही आलिम, वो आलिम जो अभी आप दरस निजामी पढ़ लो, हमारे अकाबिरीन जितने भी फारुग तहसील हुए, क्या उन्होंने
तसव्वुफ नहीं सीखी। जब बड़े मुस्तस्ना नहीं तो बाद वाले आ रहे के किस तरह मुस्तस्ना हो गए, ये मेरी समझ से बाहर है। तो लाजमी बात है कि हमारे पास सनद तो बुजुर्गों की है, तरतीब बुजुर्गों की नहीं रही। तो हमारे सारे बुजुर्गों ने सलासिल को तय किया है और उसको बाकायदा उस तरीके से किया है। मौजूदा वक्त के अंदर इसका इतना इख्तिलाफ फैल गया है कि इस फरोई इख्तिलाफ को लोगों ने नजरियाती इख्तिलाफ बना दिया। सूफिया का और फुकहा का इख्तिलाफ फरोई है, क्या है? नजरियाती नहीं है, दोनों हक पर है।